हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। यहां से आपको मिलते हैं डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्यूजेस, स्ट्रक्चर कोर्सेस एंड अनलिमिटेड एक्सेस। इसके लिए आपको डाउनलोड करना होगा एकेडमी का लर्निंग ऐप, और इसके डाउनलोड करते ही आप जुड़ जाते हैं इंडिया के टॉप 100 एजुकेटर्स के साथ। मैं योगेश्वर मिश्रा इस प्लेटफॉर्म से आपको एंथ्रोपोलॉजी हिंदी माध्यम में और साथ में जीएस में इंडियन पॉलिटिक्स, हिस्ट्री और बायोलॉजी की क्लास ले रहा हूँ। आज की क्लास में जो है बायोलॉजी के ऊपर, जो है न्यूट्रिशंस एंड विटामिन्स के ऊपर आया हूँ, जो आपके यूपीएससी के या राज्य सेवा परीक्षाओं में जो है प्रीलिम्स में जो है इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस आते हैं, और यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है हर एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, खासकर न्यूट्रिशन और विटामिन के संदर्भ में। ठीक है, तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, और इसको वीडियो को देखने के बाद आपको जो है सारे क्वेश्चन जो है न्यूट्रिशन और विटामिन से रिलेटेड सभी क्वेश्चन जो है बन जाएंगे। क्लियर चीज है ये। मेरा कोड है UGM10, इसके माध्यम से आप एडमिशन लेते हैं तो 10% का फायदा होता है। मेरे वीडियो को जब भी आप सब्सक्राइब करें, मेरा कोड UGM10 का जरूर उपयोग करें। क्लियर है चीज है ये। ठीक है, अन अकेडमी के द्वारा देखिएगा बहुत सारे कोर्सेज जो है यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए स्टार्ट किए गए हैं, जैसे हिस्ट्री ऑप्शनल विषय में है, पॉलिटिक गवर्नेंस IR है, ज्योग्राफी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी NCERT है, मानव विज्ञान हिंदी माध्यम में चलाया जा रहा है। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर है, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है, NCERT समरी है। तो ये सारे क्लासेस जो है यहाँ पर चलाए जा रहे हैं। आप अपनी सुविधा और आवश्यकता अनुसार जो है किसी भी कोर्स में एडमिशन लेकर अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकते हैं टॉप एजुकेटर्स के साथ में। ठीक है, देखिएगा अन अकेडमी के द्वारा जो है GS के ऊपर जो है 2 सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है, एक प्लस कोर्स होता है, दूसरा आइकनिक कोर्स होता है। ठीक है, प्लस कोर्स का जो स्ट्रक्चर है आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं स्टूडेंट्स, यह जो फीचर्स हैं, ठीक है, यह कोर्स जो है 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने और 36 महीने के लिए अवेलेबल है। इस कोड में आप एडमिशन लेते हैं, मेरा कोड जो है UGM10 के साथ एडमिशन लेते हैं तो आपको 10% का बेनिफिट्स मिलता है। इसी प्रकार देखेंगे आइकनिक जो GS का सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है, उसकी फीचर्स आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यह भी कोर्स जो है यह 12 महीने, 24 महीने और 36 महीने के लिए अवेलेबल है। मेरा कोड जो है UGM10 के साथ आप एडमिशन लेते हैं तो आपको क्या होता है 10% का बेनिफिट। और याद रखिएगा UGM10 के साथ मेरे वीडियो सब्सक्राइब देखने के लिए इसको इस UGM10 के साथ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, देखिएगा आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए जो है अनएकेडमी के द्वारा स्टूडेंट्स जो है 6 मंथ का जो है ये कोर्स चलाया जा रहा है, और यह कोर्स जो है बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश मीडियम में चलाया जा रहा है, जो स्टार्ट हो रहा है 18 फरवरी से। ठीक है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसी प्रकार जो है कंप्लीट GS बैचेस जो स्टार्ट किया गया है 2022 और 2023 UPSC को देखते हुए, ठीक है, 1 ईयर एंड 2 ईयर जो है कोर्सेज चलाए जा रहे हैं। यह कोर्सेज भी जो है 18 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, यह कोर्सेज भी जो है बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है। तो स्टूडेंट, सबसे बड़ी बात होती है तैयारी करना, तो आप घर में रहकर जो अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकते हैं, अनअकैडमी के माध्यम को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं जो नए स्टूडेंट्स जो अभी 12th पास आउट किए हैं या अंडर ग्रेजुएशन में हैं, या वो स्टूडेंट जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं NCERT उन्होंने नहीं पढ़ा है, तो अब जो है देखिएगा NCERT बैचेस जो है स्टार्ट किया गया है, और NCERT जो है UPSC एग्जामिनेशन के लिए बहुत जरूरी होता है, वो हर कैंडिडेट को पढ़ना होता है। तो ये NCERT जो है आप अनअकैडमी के माध्यम से इसको तैयार कर सकते हैं, और यह क्लासेज जो है बाइलिंगुअल और इंग्लिश मीडियम में हो रही है, तो बिल्कुल आप ज्वाइन कीजिए NCERT बैचेस। वेस्ट जो स्टूडेंट जो नई अपनी तैयारी को अभी प्रारंभ कर रहे हैं या सभी तैयारी की सोच रहे हैं, तो जरूर उन लोगों को NCERT बैचेस स्टार्ट में जो है ज्वाइन करना चाहिए। क्लियर चीज है ये। ठीक, अब देखेंगे कि अन अकेडमी के द्वारा जो है ऑप्शनल कोर्सेज के साथ जो है GS कोर्सेज स्टार्ट किया गया है, यह कॉम्बो ऑफर है ऑप्शनल कोर्सेज का, GS आइकनिक कोर्सेज कॉम्बो, और इसी प्रकार ऑप्शनल सब्जेक्ट का जो है GS जो है प्लस कोर्सेज जो है स्टार्ट किया गया है। ठीक है, और यह जो है 12 महीने 24 महीने और 36 महीने के साथ है, ऑप्शनल विषय के साथ GS आइकनिक कोर्सेज। इसके फी स्ट्रक्चर आपको स्क्रीन पर दिखाई कर दे रहे हैं, और जब भी आप इस कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो मेरा कोड जो है UGM10 के साथ जरूर आप एडमिशन लीजिएगा। ठीक है, इसी प्रकार देखते हैं UPSC CSE GS और प्लस ऑप्शनल जो कोर्सेज वो अभी 12 महीने 24 महीने और 36 महीने के लिए अवेलेबल है, उसका फीस स्ट्रक्चर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, और इसमें एडमिशन लेते समय मेरा कोड जो है UGM10 का जरूर आप यूज कीजिएगा। क्लियर चीज है ये, तो आप अपनी सुविधा अनुसार किसी भी कोर्स में एडमिशन लेकर जो है अपनी तैयारी को स्टार्ट कीजिए। ठीक है,
देखिएगा, अन अकेडमी के द्वारा जो है कैसे यूपीएससी की तैयारी किया जाए उसके ऊपर जो है एक समिट का आयोजन किया जा रहा है, उसका नाम है अन अकेडमी समिट 2.0। तो आप लोगों के लिए यह बहुत बेनिफिशियल होगा, वो स्टूडेंट जो अभी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अंडर ग्रेजुएशन में है, ग्रेजुएशन कर चुके हैं, या वो आप यूपीएससी के बारे में समझना चाहते हैं कि तैयारी की क्या दिशा होना चाहिए, तो बिल्कुल स्टूडेंट आप लोग जो है इस समिट में जरूर भाग लीजिएगा। यह समिट जो है फरवरी 20 और 21 वाली है, ठीक है, और इसके लिए जो है जरूर रजिस्ट्रेशन करवाएं आप लोग, क्लियर चीज है ये, ठीक। अन एकेडमी के द्वारा देखेंगे कॉन्टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है, ठीक है, यह कॉन्टेस्ट जो है 28 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो इस कॉन्टेस्ट में भाग लेने के लिए आप जरूर इसमें इनरोल हुए, और इनरोल होते समय जो है कोड जो है वो UGM10 को जो आप जरूर यूज कीजिएगा, क्लियर चीजें। और इसमें बहुत सारे अमेजिंग जो है प्राइजेस रखे गए हैं, तो जरूर इस कॉन्टेस्ट में आप लोग भाग लीजिएगा, ठीक है। आज जो मैं आप लोगों के लिए जो टॉपिक बायोलॉजी विषय पर लेकर आया हूँ स्टूडेंट, हुआ है पोषण और विटामिन की बात करते हैं, न्यूट्रिशंस एंड विटामिन की हम बात कर रहे हैं, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जाने मैंने यूपीएससी के प्रीवियस ईयर्स के देखे हैं, तो क्वेश्चन जो है इससे आते ही हैं, हर प्रत्येक साल जो है पोषण और विटामिन के ऊपर जो है क्वेश्चन आ रहे हैं, क्लियर चीजें ये। तो यह जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, आप इस क्लास को एक दो बार अगर देखते हैं तो आपको जो है दूसरा इस पर पढ़ने की जरूरत नहीं है, पोषण और विटामिन के ऊपर मैं आप लोगों के लिए क्लास लेकर आया हूँ, क्लियर चीज है ये, ठीक। तो हम बात करते हैं स्टूडेंट न्यूट्रिशंस क्या होते हैं, इसको देखते हैं उसके, तो देखेंगे सभी जीवधारियों में, खासकर हम यहाँ पर हम मनुष्य की बात करते हैं, तो जीवों को, ठीक है, तो सभी जीवों को वृद्धि विकास और उसको मेंटेन करने के लिए और अपने सभी बायोलॉजिकल प्रोसेस को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या होती है, हमको पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है, क्या होती है, पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है, जिससे हमको क्या मिलता है, ऊर्जा मिलती है, ठीक है, आवश्यक जो है हमको क्या मिलते हैं, एंजाइम्स मिलते हैं, ठीक है, जिसके माध्यम से हमारा शरीर जो है वह मेंटेन रहता है, ग्रोथ होता है, प्रॉपर ग्रोथ आता है, ठीक है, और हमारे जितने भी बायोलॉजिकल प्रोसेस हैं वह सभी सुचारू रूप से चलते हैं, ठीक है। तो इन सभी चीजों के लिए क्या करते हैं, हमको भोजन को लेने की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ये समस्त प्रक्रिया क्या कहलाती है, यह पोषण कहते हैं, ये समस्त प्रक्रिया क्या कहला रही है, पोषण कहला रही है, ठीक है, क्लियर चीज है ये। तो पोषण में जो है हम न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं, पोषक पदार्थ की बात करते हैं, तो ये पदार्थ जो जीवों में विभिन्न प्रकार के जैविक कार्यों के संचालन एवं संपादन के लिए आवश्यक होते हैं वो क्या कहलाते हैं, पोषक पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रिशन जो अब हम लेते हैं तो उसमें क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के जैविक हमारे जो बायोलॉजिकल जो प्रोसेस हमारे शरीर में होते हैं उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या होता है, हमारे शरीर को बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, ठीक है, और इन्हीं न्यूट्रिएंट्स को हम क्या कहते हैं, पोषक पदार्थ कहते हैं, क्या करते हैं, पोषक पदार्थ करते हैं, ठीक है, क्लियर चीजें। तो यह पोषक पदार्थों को जीवधारी जो है इंटेक करते हैं उसके आधार पर जो है वह क्या कहलाता है, पोषण होता है, उसके आधार पर क्या होता है, पोषण होता है, अलग अलग जीवधारियों में जो है पोषण के अलग अलग तरीके होते हैं, तो हम देखते हैं कि पोषण के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन की हम बात करते हैं तो देखिएगा, पोषण भोजन की प्रकृति तथा उसके उपयोग करने के तरीके के आधार पर, देखेंगे भोजन की प्रकृति और उसके उपयोग करने के तरीके के आधार पर जंतुओं में जो है 3 प्रकार के पोषण पाए जाते हैं, ठीक है। तो कैसे पोषण है, देखिएगा, पहला होता है पूर्ण भोजी पोषण, इसको बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन, इसको प्राणी संभोजन भी कहा जाता है। दूसरा होता है परजीवी पोषण, इसको पैरासिटिक न्यूट्रिशंस भी कहा जाता है, और तीसरा जो है मृतोपजीवी पोषण होता है, इसको सेप्रोजोइक न्यूट्रिशंस कहा जाता है, ठीक है। तो भोजन की प्रकृति और उपयोग करने के तरीके के आधार पर कितने प्रकार के पोषण हो रहे हैं, 3 प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशंस एंड सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है, और होलोजोइक न्यूट्रिशन को हम पूर्ण भोजी या प्राणी संपोषण भी कहते हैं, क्लियर चीज है। तो ये प्राणी संपोषण या पूर्ण भोजी पोषण क्या होता है या होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है, देखिए होलोजोइक जो है उसका मतलब ही है क्या होता है, देखिएगा होलो का अर्थ क्या होता है, देखेंगे पूर्ण रूप से, और जोइक का मतलब होता है होलो मतलब कंप्लीट, और जोइक का अर्थ होता है जंतु जैसा, मतलब जंतु जैसा जो पोषण है उसको क्या कह रहे हैं हम, होलोजोइक कहते हैं, वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन जो है वह ठोस या तरल के रूप में
जंतुओं की भोजन ग्रहण की करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, पूर्ण भोजी पोषण या प्राणी संपोषण कहते हैं। ठीक है, तो इनका भोजन क्या होता है, ठोस या तरल के रूप में होते हैं और जंतुओं के भोजन करने के तरीके के आधार पर करते हैं। ठीक है, ऐसे पोषण को हम क्या कहते हैं, प्राणी संपोषण कहते हैं। क्लियर चीज है ये। इस प्रकार के पोषण जो है जंतुओं का लक्षण है और यह अमीबा, पैरामीशियम, फ्रॉग, मनुष्य सभी प्रकार के जो जंतु हैं इस प्रकार के पोषण करते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्राणी संपोषण करते हैं। ठीक है, भोजन की प्रकृति के आधार पर जो है यह पोषण जो है कितने प्रकार के होते हैं, यह चार प्रकार के होते हैं। ध्यान दीजिएगा, होलो जो जो न्यूट्रिशन वो कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से है, पहला है शाकाहारी या हर्बीवोरस। इस प्रकार के जंतु पौधों और अन्य भागों या उत्पादों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस प्रकार के पोषण में जंतु क्या करता है, पौधों को, शाखाओं को या अन्य भागों को क्या करते हैं, वह पोषण भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, हिरण, भेड़ इत्यादि जो है क्या होते हैं, इस प्रकार का न्यूट्रिशन करते हैं। ठीक है, होलोजोइक न्यूट्रिशन का दूसरा प्रकार हम बोलते हैं कार्निवोरस होता है। इस प्रकार के जंतु दूसरे जंतुओं का शिकार कर उसे भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, जैसे शेर, बाघ, चीता, तेंदुआ, लोमड़ी इत्यादि। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, कार्निवोरस न्यूट्रिशन कहते हैं। बिल्कुल समझिएगा, बहुत सिंपल तरीके से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, और तीसरा जो प्रकार का भोजन है, न्यूट्रिशन है, होलोजोइक न्यूट्रिशन है, वह है सर्वाहारी। ठीक है, तीन समूह में वे जंतु आते हैं जो शाकाहारी और समय समय पर मांसाहारी दोनों ही प्रकार के क्या करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं। मनुष्य और जो है कुत्ता जो है इस श्रेणी में आता है। क्लियर चीज है ये। तो क्या हो गया, सर्वाहारी ओमनीवोरस होता है। चौथा प्रकार का जो न्यूट्रिशन है होलोजोइक में वह है स्कैवेंजर्स कहते हैं। ठीक है, देखिएगा ये क्वेश्चन आते हैं कि इसमें कौन से स्कैवेंजर्स हैं या मार्जक हैं। तो इस समूह के अंतर्गत वैसे जंतु आते हैं जो मृत जंतुओं को अपना भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। दूसरे शब्दों में मृत जंतुओं को खाने वाले जीवों को हम अपमार्जक कहते हैं। मरे हुए जंतुओं को खाने की प्रक्रिया को वो स्कैवेंजर्स कहते हैं। ठीक है, सियार, लकड़बग्घा, गिद्ध, चील इत्यादि क्या होते हैं, यह स्कैवेंजर्स की श्रेणी में आते हैं। क्लियर चीज है ये। तो मृत जंतुओं का भक्षण कर क्या करते हैं, उनको पसरने से बचाते हैं और वातावरण को शुद्ध बनाए रखने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, तो होलोजोइक न्यूट्रिशन कितने प्रकार का हो गया, होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है वह चार प्रकार का हो गया, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी और अपमार्जक। ठीक है, दूसरे प्रकार का जो न्यूट्रिशन है स्टूडेंट, देखिएगा उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन या परजीवी न्यूट्रिशन। परजीवी का मतलब होता है, देखिएगा वे जीव जो अपने न्यूट्रिशन के लिए जो है दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, पैरासिटिक न्यूट्रिशंस कहते हैं। ठीक है, जो दूसरे जीवों से क्या करते हैं, स्थायी या अस्थायी रूप से उसके ऊपर डिपेंड रहते हैं और अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, ऐसे जीवों को हम परजीवी कहते हैं। क्लियर चीज है ये, क्लियर क्लियर चीजें। तो ऐसी जीवों को हम क्या कहते हैं, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, यह स्थायी भी हो सकता है, स्थायी भी होते हैं शरीर के अंदर भी हो सकते हैं, शरीर से बाहर भी हो सकते हैं। क्लियर चीजें, जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे हम पोष्ट कहते हैं। ठीक है, और इस प्रकार पोषण अनेक प्रकार के कवक हैं, जीवाणु हैं, विषाणु हैं और कुछ पौधे जैसे अमरबेल इत्यादि कई होते हैं जो क्या करते हैं, वह अमरबेल जो है दूसरे प्लांट्स के ऊपर अपना आश्रित हो जाता है और अपने हुक्स को प्लांट्स में फंसा देता है और वहां से न्यूट्रिशन करता है। कवक है, जीवाणु है, ठीक है, मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले गोल कृमि है, हुक वर्म है, टैप वर्म है, एंटामीबा हिस्टोलिटिका है। ठीक है, मलेरिया भी एक परजीवी है जो मलेरिया का जो परजीवी क्या कहलाता है, प्लाज्मोडियम कहलाता है। ठीक है, ये सब क्या है, ये मनुष्य के शरीर में क्या करते हैं, रहते हैं और अपना पोषण प्राप्त करते हैं। ठीक है, मॉस्क्यूटो जो है वह एक्टोपेरासाइट कहलाता है क्योंकि वह शरीर के बाहर रहता है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको एक्टोपेरासाइट कहते हैं। तो पैरासाइट जो है दो प्रकार के हो सकते हैं, एक एंडोपेरासाइट होता है जो शरीर के अंदर
रहकर न्यूट्रिशन प्राप्त करता है जीवों के, दूसरा होता है शरीर के बाहर रहकर जो है जीवों पर आश्रित रहकर अपने न्यूट्रिशन प्राप्त करता है। तो एक्टोपरासाइट के उदाहरण, जो बाह्य परजीवी के उदाहरण जो है क्या आते हैं, वह खटमल आता है, मच्छर आते हैं, ठीक। जबकि अंतर परजीवी के उदाहरण गोल कृमि है, पीता कृमि है, टेप वर्म है, ठीक है। और ये क्या है, आंतरिक परजीवी के उदाहरण होते हैं, ठीक है। तो परजीवी न्यूट्रिशन क्या समझ रहे हैं, जो दूसरी जीवों में से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, क्लियर चीज है ये। तीसरा जो पोषण है स्टूडेंट्स, यह है मृतोपजीवी पोषण। क्या है, सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब होता है इस प्रकार के पोषण में जीव जो है मृत जंतुओं के या पौधों के शरीर को अपना भोजन बनाते हैं और अपने शरीर की सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में उसे अवशोषित करते हैं। मतलब होता है कि प्लांट्स या एनिमल मरने के बाद क्या होते हैं, मृत हो जाते हैं, उसके बाद उनका बॉडी जो है सड़ने गलने लग जाता है, और ये सड़ने गलने बाद गलने लग जाता है, तो ऐसी चीजों से जो अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं उनको हम क्या करते हैं, सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है। तो अनेक जो है फंगाई है, मतलब कवक है, जीवाणु होते हैं, ठीक है, और जो है क्या होते हैं मृतोपजीवी पोषण के उदाहरण देते हैं, ठीक है। इन्हें डिकम्पोजर्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इन्हें डिकम्पोजर्स भी कहा जाता है, ठीक है। जो दूसरे या पौधों के मृत या सड़ने गलने के आधार पर क्या करते हैं, उससे अपना भोजन पदार्थ प्राप्त करते हैं। तो क्या करते हैं, कार्बनिक पदार्थों को क्या कर लेते हैं, यह शक कर लेते हैं, ठीक है। जब मृत और गलन स्टार्ट हो जाता है तो क्या होता है, बहुत सारे कार्बनिक पदार्थों में वो चेंज होता है, गल जाता है, तो उसको क्या करते हैं, वह एब्जॉर्ब कर लेते हैं, शक कर लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार के न्यूट्रिशन को धारण किया, विभिन्न प्रकार के फंजाई या बैक्टीरिया है, ठीक है। तो ऐसे न्यूट्रिशन जो होता है, ऐसे जो पोषण की विधि वो क्या कहलाती है, सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन या सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। क्या कहते हैं हम, सेप्रोजोइक या सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं, क्लियर चीज है ये, आप समझिएगा। तो न्यूट्रिशन कितने प्रकार के हो गए, होलोजोइक न्यूट्रिशन हो रहा है, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन हो रहा है, और मृतोपजीवी पोषण या सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन हो रहा है, क्लियर चीज है ये, ठीक। बात करते हैं स्टूडेंट, जो होलोजोइक न्यूट्रिशन हमने बात किया, तो वो उसके बहुत सारे चरण होते हैं। प्राणी संपोषण के जो है निम्नलिखित चरण होते हैं जिनके माध्यम से न्यूट्रिशन करता है। तो क्या करता है, भोजन को इसमें अंतग्रहण किया जाता है। पहले क्या होता है, प्राणी संपोषण का जो क्या करता है, वो इंजेक्शन होता है फूड, तो भोजन को शरीर के भीतर जो है आहार नाल में पहुंचाने की प्रक्रिया को क्या करते हैं, अंतग्रहण करते हैं, ठीक है। मनुष्य जो है भोजन को जो इंटेक करता है हाथ और मुख की सहायता से करता है, ठीक है। तो अंतग्रहण भोजन के शरीर के भीतर आहार नाल में पहुंचाने की क्या कराती है, वो अंतग्रहण कराती है। दूसरा, जब आहार नाल में भोजन पहुंच जाता है तो ठोस या सेमी सॉलिड भोजन जो है ठोस, जटिल और बड़े बड़े उसमें अघुलनशील भोज्य अणु होते हैं उनका, और विभिन्न प्रकार के एंजाइमों और पाचक रसों की सहायता से वह तरल और सरल और छोटे छोटे घुलनशील अणुओं में उसका टूटना होता है, इसको हम क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। और पाचन की जो प्रक्रिया होती है वो कहाँ होती है, आहार नाल में होती है, ठीक है। इसी प्रकार भजे हुए जो पचा हुआ भोजन है वो हमारे क्या होता है, इंटेस्टाइन की कोशिकाओं के द्वारा क्या कर लिया जाता है, या एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, अवशोषण कहते हैं। तो मनुष्य के शरीर में पाचन और अवशोषण की क्रिया जो है आहार नाल में संपन्न होती है, जिनमें आमाशय और इंटेस्टाइन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जबकि एब्जॉर्प्शन की जो क्रिया, अवशोषण की क्रिया होती है हमारे यहाँ जो है, मोस्टली अवशोषण जो है भोज्य पदार्थों का या पचे हुए भोजन का जो है वह छोटी आंत के द्वारा कर लिया जाता है, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद चौथा जो प्रोसेस है स्टूडेंट, उसको बोलते हैं हम एसिमिलेशन या स्वांगीकरण कहते हैं। तो कोशिकाएं क्या करती हैं, भीतर पचे हुए भोजन का जब वह एब्जॉर्ब कर लिया जाता है तो पचे हुए भोजन में क्या होता है, अमीनो एसिड होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, ग्लूकोज होता है, फैटी एसिड होता है, उनका क्या होता है, आवश्यकता अनुसार जो है क्या होता है, जीव आवश्यकता में जिन चीजों की हमें आवश्यकता होती है, बॉडी क्या करती है, उन लोगों का संश्लेषण करती है और नए जो है टिश्यू और कोशिकाओं का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, स्वांगीकरण कहते हैं, ठीक है। क्या करते हैं हम, स्वांगीकरण कहते हैं, क्लियर चीजें। तो इसको देख लीजिएगा, फिर संचित भोजन ऑक्सीकरण के फलस्वरूप क्या होता है, इससे ऊर्जा मुक्त होने की प्रक्रिया को क्या कर रहे हैं हम, स्वांगीकरण कर रहे हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो भोजन का क्या हो रहा है, अंतग्रहण हो रहा है, पाचन हो रहा है, अवशोषण हो रहा है, अवशोषित भोजन का क्या होता है, यही तो हमारा काम है। जब हम पोषण को करते हैं तो हमारे शरीर में क्या होता है, टूट फूट जो अंगों का होता है, कोशिकाओं का होता है, उसका मेंटेनेंस का कार्य जो है सिमुलेशन के द्वारा किया जाता है। और हमें जो भोज्य हम शरीर में खाते हैं
वह ऊर्जा के रूप में हमारे शरीर में संचित होती है, और समय आने पर क्या होता है, यह ऊर्जा हम या ऊर्जा के माध्यम से क्या होता है, हमारा शरीर जो है चलता है। तो यह पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, स्वांगीकरण कहलाता है, ठीक है। और पांचवा जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं इंजेक्शन। तो इंजेक्शन का मतलब होता है जब हमने भोजन को ग्रहण किया है, उसका जो अपचा भोज्य पदार्थ, अपचा जो पदार्थ होता है शरीर के इंटेस्टाइन में पड़ा रहता है, और वह शरीर से समय आने पर क्या कर दिया, उसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रक्रिया को जो क्या कहते हैं, इंजेक्शन कहते हैं, या बहिष्करण कहते हैं, या त्याग करना कहते हैं, ठीक है। तो शरीर से जो अनावश्यक जो पदार्थ होते हैं वो शरीर से क्या कर दिए जाते हैं, बाहर निकाल दिए जाते हैं, उसको हम क्या कह रहे हैं, इंजेक्शन कह रहे हैं, ठीक है। तो प्राइमोलॉजिक न्यूट्रिशन जो है वह लगभग इन प्रोसेस होकर गुजरता है। पहला है इंजेक्शन है, भोजन का अंतग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिष्करण। तो इसको समझिएगा आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है इनमें से सही सीक्वेंस क्या है, तो हम भोजन को पर क्या पढ़ते, पहले हम इनटेक करते हैं, फिर भोजन का आहार नाल में डाइजेशन होता है, डाइजेशन के बाद उसका एब्जॉर्प्शन होता है, फिर एब्जॉर्प्शन जब हो जाता है शरीर की कोशिका में पहुंच जाता है, तो नए प्रकार की कोशिकाओं का बनना, उससे ऊर्जा का मुक्त होना है, क्या कहलाता है, सिमुलेशन कहलाता है। फिर क्या होता है, जो अपचा भोजन है वो शरीर से बाहर निकाले, उसको इंजेक्शन या बहिष्करण कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट भोजन और उसके अवयव कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, जो हम भोजन वे पोषक पदार्थ होते हैं जिनके कार्य करने के लिए, वृद्धि और ऊतकों की टूट फूट की मरम्मत के लिए, तथा विभिन्न जैविक प्रक्रमों को सुचारू रूप से कायम रखने के लिए ग्रहण किया जाता है, उसको या खाया जाता है। तो भोजन का क्या कार्य है, तो भोजन का जो कार्य है वो देखेंगे क्या होता है, ऊर्जा प्रदान करने के लिए होता है, शरीर का निर्माण करने के लिए होता है, और रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाने के लिए होता है, ठीक है। तो भोजन को हम तीन प्रमुख भागों में विभाजित कर सकते हैं, ठीक है, ऊर्जा प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थ, शरीर का निर्माण करने वाले खाद्य पदार्थ, और रोग क्षमता वाले खाद्य पदार्थ, ठीक है। तो क्लियर चीज, तो भोजन के अवयव क्या है, तो देखेंगे भोजन के प्रमुख अवयव निम्नलिखित है, ठीक है। तो क्या होते हैं, देखिए हम जो भोजन करते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होता है, प्रोटीन्स होता है, फैट्स होता है, ठीक है, खनिज लवण होते हैं, विटामिन्स होते हैं, और जल की मात्रा होती है, ठीक है। तो हमारे भोजन के क्या है, ये अवयव है, जो भी हम भोजन कर रहे हैं। देखिए आप अभी हम थाली की बात करते हैं, एक सामान्य जो भारतीय थाली होता है उसमें देखिएगा, यहाँ कटोरी में क्या हो रहा है, कटोरी इसमें क्या होता है, दाल होता है, ठीक है, सब्जियां हो रही हैं, ठीक है, सैलेड हो रहा है, ठीक है, राइस होता है यहाँ पर, ठीक है, चपाती हो रही है यहाँ पर, क्या हो रहा है, चपाती हो रहा है, ठीक है, सब्जियां होती हैं, दही होता है, कर्ड होता है, ठीक है। तो ये सामान्य जो भारतीय थाली होता है उसमें सारे हमको मिल रहे हैं, देखिएगा, रोटी और राइस जो है कार्बोहाइड्रेट के सोर्स हैं, किसके हैं, कार्बोहाइड्रेट के सोर्स होते हैं, ठीक है। पल्स जो है हमारे क्या होती है, प्रोटीन के सोर्स होता है, ठीक है। सब्जियां जो है इनमें मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, ठीक है। सलाद में भी क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं, ठीक है, और दही में भी क्या होते हैं, विटामिन्स होते हैं और मिनरल्स होता है, क्लियर चीज है ये। तो इतना देखिएगा हमारे एक सामान्य भारतीय थाली में जो है भोजन के हमको सारे अवयव दिख रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी होता है, प्रोटीन्स भी होता है, फैट्स भी होता है, फैट्स की सब बन होता है, दही में फैट्स हो गया, ठीक है, और उसके अलावा फैट्स किसमें हो रहे हैं, हमने जो सब्जियों का निर्माण किया उसमें ऑयल डाला, उसमें हम वो फैट्स होता है, क्लियर चीजें। तो पूरा जो है हमारा एक इंडियन जो थाली है वो क्या बनाता है, पूरा भोजन का वह हमको दिख सकते हैं, ठीक है, क्लियर चीजें। तो हम एक एक करके देख रहे हैं, तो हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं, स्टूडेंट देखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स की हम बात करते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है ऊर्जा प्रदान करने वाला पदार्थ है, क्या है, यह ऊर्जा प्रदान करने वाला पदार्थ है, और ये रासायनिक यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट को जो है एनर्जी फूड्स भी कहा जाता है, ठीक है, यह पचने के पश्चात ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं, और ग्लूकोज जो हमारे शरीर की कोशिकाओं द्वारा क्या कर ली जाती है, वो पहुंचती है, और वहां पे ऑक्सीकरण होता है उसका, और उसी के माध्यम से क्या मिलता है, हमको ऊर्जा मिलता है, ठीक है। इसलिए इसको कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी फूड्स भी कहा जाता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है, यह 1:2:1 में होता है, याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, किस रेशियो में हो रहा है, 1:2:1 रेशियो में हो रहा है, ठीक है। और इस आधार पर
कार्बोहाइड्रेट जो है ऊर्जा का क्या है प्रमुख स्रोत है, क्या ही है ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, ठीक है। और शरीर की कुल ऊर्जा उत्पादन में लगभग जो है 50 से 70% मात्रा जो है कार्बोहाइड्रेट से ही पूर्ण होती है, याद रखेंगे, क्लियर चीज है ये। तो कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे शरीर में भोजन का क्या होता है, ऊर्जा देने का एक मुख्य स्रोत होता है। अगर कार्बोहाइड्रेट देखिए हमारे थाली में जो है रोटी है और ये राइस जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट से होता है, लेकिन ज्यादा मात्रा हमारे यहाँ कार्बोहाइड्रेट की, क्योंकि इसको एनर्जी गिविंग फूड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एनर्जी गिविंग फूड्स कहा जाता है इसको, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के देखिए क्या सोर्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के जो स्रोत होते हैं देखिए, गेहूं होता है, चावल होता है, मक्का, ज्वार, बाजरा, शक्कर, गुड़, शहद, सूखे अंजीर, दूध, पके के फल, आलू, शकरकंद, चुकंदर, रसीले फल, गन्ना, शलजम, केला, अरबी, और मांस जो है वह मोस्टली जो है क्या हो रहे हैं कार्बोहाइड्रेट के स्रोत होते हैं, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स के जो स्रोत होते हैं हम कार्बोहाइड्रेट्स को उसके केमिकल संरचना के आधार पर जो है 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला जो होता है मोनोसेकेराइड्स होते हैं, यह कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरलतम रूप होता है, ठीक है। तो मोनोसेकेराइड के कुछ उदाहरण देखते हैं हम, क्या है जैसे है देखिएगा, ग्लूकोज मोनोसेकेराइड्स, आप जो इनको जान रहे हैं तो याद रखिए ग्लूकोज मोनोसेकेराइड्स है, फ्रक्टोज जो है मोनोसेकेराइड्स है, ठीक है। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो है क्या है मोनोसेकेराइड, ग्लूकोज को हम बोलते हैं इंस्टेंट एनर्जी देता है, या इंस्टेंट जो है एनर्जी देता है, क्लियर चीज है ये। फ्रक्टोज जो है पके हुए फलों में जो मिठास होता है फ्रक्टोज के कारण होता है, ठीक है। डाइसेकेराइड का मतलब होता है यह मोनोसेकेराइड के 2 अणुओं से मिलकर बना होता है, ठीक है। और इसका जो डाइसेकेराइड का उदाहरण होता है वह सुक्रोज है, देखिए क्या है सुक्रोज है, माल्टोज है, और लैक्टोज। लैक्टोज किस में पाया जाता है? दूध में पाया जाता है, ठीक है। तो सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज जो है यह डाइसेकेराइड के उदाहरण होते हैं, इसमें जो है मोनोसेकेराइड्स के 2 अणु होते हैं, तो 2 अणुओं से बना होता है वो क्या कहलाता है कार्बोहाइड्रेट, डाइसेकेराइड होता है। पॉलीसेकेराइड का मतलब होता है ग्लूकोज के 2 या 2 से अधिक मोनोसेकेराइड अणुओं का बना होता है, ठीक है। इसमें 2 या 2 से अधिक मोनोसेकेराइड अणुओं के मिलने से जो बनता है उसको पॉलीसेकेराइड्स कहा जाता है। यह जल में अघुलनशील होते हैं, क्या होते हैं? यह जल में अघुलनशील होते हैं, ठीक है। यह मुख्यतः जो है पौधों में पाए जाते हैं, और आवश्यकता पड़ने पर यह हाइड्रोलाइसिस द्वारा क्या करते हैं ग्लूकोज में विघटित हो जाते हैं, ठीक है। ऊर्जा उत्पादन के लिए संग्रहित ईंधन का कार्य करते हैं, जैसे स्टार्च होते हैं भोजन में, प्लांट्स में क्या पाए जाते हैं स्टार्च पाए जाते हैं, ग्लाइकोजन जो हमारी कोशिकाओं में ग्लूकोज जो है वो लीवर क्या करता है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर जाता है, जो हमारे हमारे जो है बॉडी में क्या होता है संचित रहता है। जब हमको हम जब फास्टिंग वोस्टिंग करते हैं हमारे शरीर को जब एनर्जी की आवश्यकता होती है तो यही ग्लाइकोजन जो है क्या होता है वो ग्लूकोज में क्या होता है कन्वर्ट करके हमको एनर्जी देता है, ठीक है। तो ग्लाइकोजन क्या है, यह पॉलीसेकेराइड है। स्टार्च जो जो पौधों में पाया जाता है क्या है वह पॉलीसेकेराइड से। सेल्यूलोज भी जो प्लांट्स में पाया जाता है वो क्या पाया जाता है वह क्या है वह जो सेल्यूलोज है, काइटिन जो है वह भी सेल्यूलोज का उदाहरण होता है, ठीक है। काइटिन का उदाहरण देखेंगे, काइटिन क्या होता है देखेंगे, आपने सबसे तिलचट्टा देखा होगा, तिलचट्टा का जो ऊपरी सतह होता है जो पीठ के ऊपर जो चिकना पार्ट होता है जो थोड़ा चमकीला होता है वह काइटिन का बना होता है, ठीक है। तो यह स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज और काइटिन जो है क्या यह पॉलीसेकेराइड्स के उदाहरण होते हैं, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या कार्य करता है? कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर का क्या करता है, ऊर्जा उत्पादन करने वाला मुख्य स्रोत है। यह हमारे शरीर का क्या है संचित भोजन है, हमारा भोजन, हमारे शरीर में जो संचित भोजन होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में रहता है, आप याद रखिएगा ग्लाइकोजन ही क्या होता है बाद में वह ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और फिर हमको ऊर्जा देता है, ठीक है। यह वसा में, यह वसा में मतलब यह ग्लूकोज को क्या करता है वसा में बदलकर संचित भोजन का कार्य करता है, ठीक है। यह डीएनए और आरएनए का घटक होता है, ठीक है। यह प्रोटीन, यह शर्कराओं के रूप में ऊर्जा उत्पादन के लिए ईंधन का काम करता है, ठीक है। तो याद रखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के क्या है प्रमुख कार्य होते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स की अगर कमी हो, अधिकता हो जाए, दोनों स्थिति में क्या हो जाता है हमारे शरीर के लिए क्या होता है नुकसानदायक है। कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से शरीर का वजन में वृद्धि हो जाएगी और मोटापा की समस्या होने लग जाती है, ठीक है। और मोटापा के विभिन्न प्रकार की बीमारियां लग जाती हैं। इस बार कार्बोहाइड्रेट की कमी होने से शरीर का वजन कम हो जाता है, व्यक्ति दुबला पतला दिखाई देता है, कार्य करने की क्षमता घट जाती है, ठीक है, और नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स की कमी और दोनों ही नुकसानदायक होती है, ठीक है। और दूसरा जो मेन कंपोनेंट है भोजन का, अब हमने पहले हमने कार्बोहाइड्रेट को देखा, दूसरा जो प्रमुख पार्ट है वह है क्या है प्रोटीन है, ठीक है। प्रोटीन
प्रोटीन अत्यंत जटिल नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं। कैसे पदार्थ हैं? ये नाइट्रोजन युक्त पदार्थ हैं जिनकी रचना जो है 20 अमीनो एसिड से होती है। ठीक है, हमारे शरीर में जो है 20 अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है, जिनमें से 10 अमीनो एसिड जो है हमारे शरीर में स्वतः ही बन जाता है, और 10 अमीनो एसिड को हमको लेने की आवश्यकता होती है, जिसको इसेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं, जिनको बाहर से लेने की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो अमीनो एसिड जो है 20 अमीनो एसिड के बना होता है, जिसमें से 10 जो है इसेंशियल अमीनो एसिड और 10 जो है नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड कहा जाता है। नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड जो है बॉडी अपना खुद बना लेता है। क्लियर चीज है ये। प्रोटीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो देखिएगा ये कौन किया था? वर्जिलियस ने किया था। ठीक है, और प्रोटीन मानव शरीर का संरचनात्मक पदार्थ ही नहीं बल्कि अन्य प्रकारों को भी संपन्न करता है। मानव शरीर का लगभग 15% भाग प्रोटीन से बना होता है। प्रोटीन जो है शारीरिक वृद्धि के लिए और मांसपेशियों की वृद्धि के लिए बहुत आवश्यक है। भोजन की इनकी कमी से शारीरिक और मानसिक वृद्धि रुक जाती है। ठीक है, प्रोटीन की कमी से शिशुओं में जो है सूखा रोग होता है, जिसको मरसमस कहते हैं, तथा क्वासियोरकर नामक बीमारी हो सकती है। ठीक है, तो प्रोटीन की कमी से सूखा रोग, जिससे उसका मेंटली और फिजिकली जो है ग्रोथ जो क्या हो जाता है, रिटार्डेड हो जाता है, मतलब रिटार्डेड मतलब होता है प्रभावित हो जाता है। क्लियर चीजें। तो देखेंगे प्रोटीन के क्या प्रकार हैं। तो प्रोटीन जो है देखिएगा तीन प्रमुख फॉर्म में पाया जाता है। पहला होता है सरल प्रोटीन, दूसरा होता है संयुग्मी प्रोटीन, तीसरा होता है व्युत्पन्न प्रोटीन। ठीक है, ऐसे प्रोटीन जो केवल अमीनो अम्लों से बने होते हैं, ऐसे प्रोटीन को हम सरल प्रोटीन कहते हैं, जैसे एल्बुमिन है, ठीक, ग्लोब्यूलिन है, या क्या कहते हैं सिंपल प्रोटीन कहते हैं। किससे बने होते हैं? जो केवल अमीनो अम्ल से बने होते हैं। ठीक है, कंजुगेटेड प्रोटीन क्या होता है? ऐसे प्रोटीन जिनका संयोजन प्रोटीन के अतिरिक्त अन्य किसी अणु से हो भी रहता है, उसे हम कंजुगेटेड प्रोटीन या संयुग्मी प्रोटीन कहते हैं, जैसे न्यूक्लियो प्रोटीन। ठीक है, ये या ग्लाइको प्रोटीन, मतलब यह ग्लूकोज और प्रोटीन से मिलकर बना होता है, फास्फोर प्रोटीन या फास्फोर और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो प्रोटीन के अलावा क्या कहते हैं? अन्य भी अणु रहते हैं, उनको हम कंजुगेटेड या संयुग्मी प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, डेरिवेटेड प्रोटीन या डिराइव्ड प्रोटीन जो है, ऐसे प्रोटीन जो प्राकृतिक प्रोटीन के आंशिक जलीय अपघटन से प्राप्त होते हैं, इसको हम डेरिवेटेड प्रोटीन कहते हैं, जो प्राकृतिक प्रोटीन के आंशिक जलीय अपघटन से बनते हैं, उनको हम व्युत्पन्न प्रोटीन कहते हैं। तो ठीक है, प्रोटीन कितने प्रकार के? तीन प्रकार के, सिंपल प्रोटीन, संयुग्मी प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन का क्या कार्य है हमारे शरीर में? तो देखेंगे प्रोटीन जो है कोशिकाओं की वृद्धि के लिए जरूरी है। अनेक जटिल प्रोटीन मेटाबॉलिक प्रक्रियाओं में एंजाइम का कार्य करते हैं। कुछ प्रोटीन जो है हार्मोन्स के संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हीमोग्लोबिन के रूप में यह शरीर में गैसीय विनिमय का कार्य करता है। यह एंटीबॉडीज के रूप में कार्य करता है, हमारे प्रतिरक्षा तंत्र के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है। याद रखेंगे प्रोटीन के जो प्रमुख अवयव है वह है दूध है, अंडा है, कली है, बादाम है, दाल, बहुत प्रकार जितने भी बीन्स हैं, फली वाले जितने भी दाल है वह प्रोटीन के महत्व। अरहर का दाल होता है, चना दाल हो रहा है, मटर हो रहा है, बीन्स हो रहे हैं, राजमा हो रहे हैं, सब क्या है? प्रोटीन के सबसे बड़े स्रोत है। इसके अलावा सोयाबीन, पनीर, मांस, मछली, अंडे, ये सब क्या है? यह प्रोटीन के सबसे बड़े स्रोत होते हैं। ठीक है, प्रोटीन के क्या कार्य होते हैं? प्रोटीन जो है वो क्या करते हैं? कुछ प्रोटीन जो है एंजाइम्स भी होते हैं। प्रोटीन हमारे शरीर में परिवहन का कार्य करते हैं। प्रोटीन जो है संकुचनशील प्रोटीन होते हैं, जो मांसपेशियों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुछ प्रोटीन जो है हार्मोन्स के होते हैं। ठीक है, और हमारे शरीर की कोशिकाओं की रचनाओं में प्रोटीन का महत्वपूर्ण भाग होता है। ठीक है, और हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को वह बनाए रखते हैं। ठीक है, ऐसे प्रोटीन को हम क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक कहते हैं। तो प्रोटीन के बहुत सारे कार्य होते हैं। ठीक है, प्रोटीन की कमी हो जाए तो नाना प्रकार की बीमारियों से व्यक्ति ग्रसित हो सकता है। ठीक है, क्लियर चीज है ये। तो प्रोटीन की कमी से मरास्मस और क्वासियोरकर नामक एक जो बीमारी होता है बच्चों में वह हो सकती है। ठीक है, बड़ों में भी नाना प्रकार की बीमारी होती है। प्रोटीन कमी से समय बाल झड़ने लग जाते हैं। ठीक है, स्किन और बालों के लिए भी प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं तीसरा जो मुख्य कंपोनेंट है वह है फैट्स है। ठीक है, वसा शरीर की ऊर्जा प्रदान करने वाला प्रमुख खाद्य पदार्थ होता है, और वसा के अणु जो है वह ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के संयोजन से बनते हैं। वसा अम्ल के संयोजन ग्लिसरॉल और फैटी एसिड या वसा अम्ल के संयोग से बनते हैं। ठीक है,
कार्बोहाइड्रेट की तरह का इसमें भी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का यौगिक होता है, ठीक है। परंतु कार्बोहाइड्रेट्स की तुलना में इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होता है, ठीक है। यह जल में पूर्णतः अघुलनशील होता है, ठीक है, लेकिन यह कार्बनिक गोलकों के रूप में घुलनशील होता है, ठीक है। इमल्सिफिकेशन होता है, इसका इमल्सिफिकेशन होता है, ठीक है। इसका क्या होता है, इमल्सिफिकेशन होता है क्षारों के द्वारा, ठीक है। तो वसा को अनेक स्रोतों के आधार पर हम जो वसा हमको जिससे प्राप्त हो रहा है, मानव के शरीर में जो वसा का मुख्य प्राप्त होने का जो मुख्य स्रोत है, उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, जंतु वसा और प्लांट वसा, तो वनस्पतियों के द्वारा जो वसा। तो जंतु वसा का जो स्रोत है वह दूध है, दही है, पनीर है, अंडा है, मछली है, ठीक है, मीट है, या क्या है, जंतु वसा का प्रमुख स्रोत है। जबकि वनस्पति वसा जो है वह तेलों के रूप में उपलब्ध होता है, जैसे वनस्पति तेल है, अखरोट है, बादाम है, मूंगफली है, नारियल है, सरसों है, तिल और सूरजमुखी इत्यादि से जो ऑयल फॉर्म में हमको प्राप्त हो रहे हैं वो क्या होते हैं, यह वनस्पति वसा के उदाहरण होते हैं, ठीक है, क्लियर चीजें। वसा सामान्यतः 20 डिग्री टेम्परेचर पर वह ठोस अवस्था में होता है, परंतु यदि इस ताप पर वह द्रव अवस्था में है तो उसे हम तेल कहते हैं, ठीक है, ऑयल। और क्लियर चीज है, ये वसा दो प्रकार के होते हैं, एक संतृप्त वसा होता है, दूसरा असंतृप्त वसा होता है, आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है, क्लियर है। एक वसा के पूर्ण ऑक्सीकरण से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक है। सामान्यतः एक वयस्क व्यक्ति को 20 से 30% ऊर्जा वसा से प्राप्त होनी चाहिए, बस बाकी ऊर्जा जो है वह कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होनी चाहिए, ठीक है। मनुष्य के आहार में मक्खन तथा घी जैसे संतृप्त वसा की मात्रा कम होनी चाहिए, क्योंकि संतृप्त वसा जो है कोलेस्ट्रॉल में आसानी से परिवर्तित हो जाते हैं, क्लियर है। और क्या करते हैं वह आर्टरीज को क्या करते हैं, ब्लॉकेज उत्पन्न करते हैं, जिससे हाई ब्लड प्रेशर और हृदय संबंधी विकार उत्पन्न हो सकता है, ठीक, क्लियर चीज है ये, ठीक है। तो वसा के क्या कार्य हैं, वसा जो है ठोस रूप में शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है, यह त्वचा के नीचे जमा होकर शरीर के ताप को रेगुलेट करती है, यह खाद्य पदार्थों में स्वाद उत्पन्न करती है, आहार को रुचिकर बनाती है, शरीर के विभिन्न अंगों को चोटों से बचाती है, और प्रोटीन के स्थान पर शरीर को यह क्या करती है, ऊर्जा प्रदान करती है, ठीक है। ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की तरह जो है शरीर को क्या कर रही है, ऊर्जा प्रदान कर रही है, ठीक है। वसा के स्रोत क्या है, वसा का मुख्य स्रोत जो है दूध है, मांस है, मछली है, मक्खन है, घी है और तेल है, ठीक है। वसा की कमी से क्या, और मानव शरीर में वसा की कमी से जो है त्वचा सूखी हो जाती है, बेजान पड़ जाती है, वजन में बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है, शरीर का विकास अवरुद्ध हो जाता है, और वसा की अधिकता से शरीर जो है स्थूल हो जाता है, मोटापा की बीमारी हो जाती है जिससे बहुत सारे लक्षण दिखते हैं, हृदय रोग हो जाता है, उच्च रक्तचाप से व्यक्ति पीड़ित हो जाता है, क्लियर है। तो बचपन में बच्चों के जो है वह वसा की कमी नहीं होना चाहिए, क्योंकि विभिन्न प्रकार के विटामिन जो होते हैं, जो वसा में घुलनशील विटामिन, अगर वसा की कमी होगा तो वह हमारे शरीर में क्या होगा, वह उसका एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो विटामिनों के भी एब्जॉर्बेशन के लिए जो है फैट्स को हमारे शरीर में होना जरूरी है, खासकर बचपन में, ठीक है। तो भोजन के प्रमुख अवयव को आपने क्या देखा, आपने कार्बोहाइड्रेट से देखा, प्रोटीन देखा और वसा देखा, क्लियर चीजें। अब हम बात करते हैं तीसरा जो महत्वपूर्ण अवयव है वो है विटामिन है, क्या है, विटामिन है, तो ठीक है। तो देखिए विटामिन शब्द का सबसे पहला प्रयोग जो है सबसे पहले सी फंक नामक वैज्ञानिक ने किया था, ठीक है, और इसका नामकरण वह अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार किया, कैसे, ए बी सी डी ई के आदि, ठीक है। तो मानव शरीर में इस कार्बनिक पदार्थ की आवश्यकता कम मात्रा में होती है लेकिन जरूरी होते हैं, विभिन्न प्रकार के मेटाबॉलिक प्रोसेस में जो है विटामिन जो है वह एंजाइम्स के रूप में या एक कैटलिस्ट के रूप में कार्य करता है, ठीक है। तो यह मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए नियंत्रण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसकी थोड़ी मात्रा जो है हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक होती है, ठीक है। तो पानी में विलेयता के आधार पर या घुलनशीलता के आधार पर वसा विटामिन्स को हम दो भागों में बांट सकते हैं, किसके आधार पर, डिजोल्वनेस के आधार पर, विलेयता के आधार पर। कुछ विटामिन जो है वह जल में घुलनशील होते हैं और कुछ विटामिन जो है वह वसा में घुलनशील होते हैं, ठीक है। तो जल में जो घुलनशील विटामिन है वो कौन है, और विटामिन जो है बी और सी, हमेशा याद रखिएगा, वह क्या है, जल में घुलनशील होते हैं, ठीक है। वसा में जो घुलनशील वाले विटामिन है वह है ए है डी है ई है के है, ठीक है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चंस बार बार आते हैं, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन, ठीक है। तो यह बिल्कुल आप याद रखिएगा इस चीजों को, ठीक है, क्लियर
इसको भूलिएगा मत। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन है? बी और सी है, ठीक है। तो जो जल में घुलनशील जो विटामिन है स्टूडेंट्स, आप लोग ध्यान रखिएगा, इनकी अधिकता जो है शरीर में किसी प्रकार का नुकसान नहीं करता, क्योंकि यह जल में घुलनशील है। इसलिए अगर विटामिन बी और सी अधिक मात्रा भी शरीर में चले जाता है तो यह यूरिन के रूप में क्या होता है, शरीर से बाहर आ जाता है। लेकिन वसा में जो घुलनशील विटामिन है जिसमें ए डी ई के हैं, इनकी कमी तो नुकसानदायक तो होती है, इनकी अधिकता भी क्या होता है, कभी नुकसानदायक होता है। क्लियर चीज है ये? तो जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन को हम देखते हैं, ठीक है। तो विटामिन ए की बात करते हैं स्टूडेंट, क्लियर चीज है ये? तो इसका देखिए विटामिन ए क्या है, विटामिन देखिए बी और सी ही केवल जल में घुलनशील है, बाकी ए विटामिन है क्या है, वसा में घुलनशील विटामिन है ना। इसका नाम जो है वो क्या है, इसको बोलते हैं रेटिनॉल कहते हैं। इसका जो बायोलॉजिकल या जो नाम है, केमिकल नाम है क्या है, रेटिनॉल है। इसको एक्सेरोफाइटॉल भी कहा जाता है। यह विटामिन वसा में घुलनशील, जैसे पहले ही बताया आप लोगों को, ठीक है। यह विटामिन जो है शरीर की वृद्धि में सहायता करता है, शरीर की उपकला ऊतकों को स्वस्थ बनाए रखता है। इसकी कमी से होने से श्वास नली और पाचन नाल की उपकलाएं क्या हो जाती हैं, बीमार हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त जो है यह आंखों की जो है ये उत्तकों के लिए भी यह बहुत जरूरी है। या अगर इसकी कमी हो जाती है तो रतौंधी नामक बीमारी हो सकती है, जिसमें आंखों का शुष्क हो जाता है, कॉर्निया में श्वेत फुल्ली पड़ने लग जाता है, जिसे दृष्टि का कम होने लग जाती है, ठीक है, जिसको हम रतौंधी कहते हैं। रतौंधी बीमारी है जो अंधेरे के समय या रात्रि के समय जो आंखों से दिखना बंद हो जाता है, ठीक है। क्लियर चीज है ये? क्लियर, इस तरह से रतौंधी कहते हैं। विटामिन ए का जो मुख्य स्रोत है हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, गाजर में सबसे ज्यादा विटामिन होता है, मछली के लीवर ऑयल में पाया जाता है, कलेजी में पाया जाता है, अंडे की जर्दी में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है, पनीर में पाया जाता है, विटामिन ए के प्रमुख स्रोत होते हैं, ठीक है। विटामिन ए का स्रोत अगर दूध की बात करते हैं, गाय और भैंस की दूध की तुलना में, तो गाय के दूध में जो है विटामिन ए जो भैंस की तुलना में ज्यादा पाया जाता है, ठीक है, इसको देखेंगे। तो विटामिन ए जो है क्या है, वह शरीर के लिए बहुत जरूरी है। और ये इसके स्रोत हैं, कौन कौन स्रोत हैं जो आपने बताया, गाय, गाजर है, मछली है, हरे पत्तेदार सब्जियां हैं, पालक है, दूध है, पनीर है, विटामिन ए के क्या है सबसे रिचेस्ट सोर्स है। इनकी कमी से क्या होती है, आंखों की बीमारी हो सकती है जिसको रतौंधी कहते हैं, या पाचन नाल और श्वास नली की उपकला या टिश्यू जो है इसमें बीमार हो सकते हैं। क्लियर चीज है ये, ठीक है। अब विटामिन बी समूह की बात करते हैं। यह विटामिन बी समूह जो है बहुत सारे विटामिनों का यह समूह होता है, ठीक है। और यह घुलनशील विटामिन, यह जल में क्या है, घुलनशील है, ठीक है। लगभग जो है 11 प्रकार के विटामिन का समूह है विटामिन बी, जिनको हम बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ठीक है। विटामिन बी में नाइट्रोजन पाया जाता है, क्लियर चीजें। यहाँ पर हम कुछ विटामिन की बात करते हैं, जैसे विटामिन B1, इसको हम क्या कहते हैं, थायमिन कहते हैं, ठीक है। और इस विटामिन की कमी से जो है बेरी बेरी नामक रोग हो सकता है, ठीक है। कौन सा रोग हो सकता है, बेरी बेरी नामक रोग हो सकता है, जिसमें जिसमें क्या होते हैं, वोट फट जाते हैं, जीभ के किनारे जो है जीभों में दरार पड़ जाते हैं, लिप्स में दरार पड़ जाते हैं, त्वचा तो जो है सूखी हो जाती है, ठीक है। तो यह क्या बेरी बेरी नामक बीमारी हो सकता है। विटामिन B1 के जो सोर्स है, मोस्टली विटामिन B1 जो है या विटामिन बी जो है वो हमको ग्रेन्स में मिल जाते हैं, ठीक है। तो खमीर, यीस्ट जो होता है ना, गाजर, गेहूं, चावल, समुद्री भोजन, सोयाबीन, साबुत अन्न, हरी सब्जियां इत्यादि जो है B1 के जो है रिचेस्ट सोर्स होते हैं, ठीक है। इसकी कमी से कौन सी बीमारी हो सकती है, बेरी बेरी हो सकता है, याद रखेंगे, बेरी बेरी विटामिन B1 थायमिन की कमी से, ठीक है। विटामिन B2 जो है उसको हम राइबोफ्लेविन कहते हैं, क्या कहते हैं, राइबोफ्लेविन कहते हैं। और आपको सबको मालूम है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो सभी जल में घुलनशील होते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट तथा अन्य पदार्थों के उपापचय में यह भाग लेता है, कौन सा, विटामिन B2। और इसकी कमी से शरीर की में भार में कमी आ जाती है, और साथ ही यह ऊंट, जीभ तथा त्वचा में रूखापन आ जाता है। तो सब दूध, मटर, सेव, ईस्ट, मांस, अंडा, हरी पत्तेदार सब्जियां विटामिन B2 के जो है रिचेस्ट सोर्स होते हैं, ठीक है। विटामिन B5 की हम बात करते हैं, इस विटामिन का नाम जो है नियासिन है, क्या है, नियासिन है, क्लियर है, क्लियर चीज है ये। इसकी कमी से जो है पिलाग्रा नामक बीमारी होती है, क्या होती है, पिलाग्रा नामक बीमारी होती है, पॉइंट को नोट कर लीजिए, जिसको हम 3D डिजीज कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, 3D डिजीज कहते हैं, डायमेंशिया, डर्मेटोटिस और डायरिया, क्या करते हैं, डायमेंशिया, डर्मेटोटिस और
जो है डायरिया, मतलब इसके लोग के लग रहा है कि लक्षण क्या है, व्यक्ति को मनोभ्रम उत्पन्न हो जाता है, त्वचा जो है रूखा हो जाता है, पड़ जाता है, ओट पड़ जाते हैं, और क्या होता है डायरिया हो जाता है, इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो जाता है, खराब हो जाता है, ठीक है, क्लियर है। तो मानसिक विकास और पाचन क्रिया में खराबियां जाती है, ठीक है। इसके सोर्स क्या है, अंकुरित गेहूं है, आलू है, अनाज है, बादाम है, टमाटर है, पत्तेदार सब्जियां जो है इसके प्रमुख स्रोत है, ठीक है। तो विटामिन B5 को क्या कहा, नियासिन कहा, ठीक है। इसको 3D डिसीज की कमी से क्या होता है, 3D डिसीज कहते हैं, इसको हम पेलाग्रा भी कहते हैं कम्बाइंड रूप से, ठीक है। विटामिन B6 को क्या बोलते हैं, पायरीडॉक्सिन कहते हैं, क्या कह रहे हैं, पायरीडॉक्सिन कहते हैं, ठीक है। इसकी कमी होने से शरीर की वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है, ठीक है, और व्यक्ति जो है अरक्तता का शिकार हो जाता है, इसे खून की कमी हो जाती है। RBC के मैच्योरेशन के लिए यह बहुत जरूरी है। यह हरी सब्जियां, मांस, कलेजी इत्यादियों में पाया जाता है, ठीक है। इसी प्रकार हम B7 की बात करें स्टूडेंट, B7 जो है वह बायोटिन कहलाता है, क्या कहला रहा है, बायोटिन कहलाता है। इस विटामिन का रासायनिक नाम जो है बायोटिन है, और यह मुख्य रूप से जो है ताजे फल, हरी सब्जियां, लीवर, दूध, अंडा, ईस्ट और संपूर्ण अनाज और दाल में पाया जाता है, ठीक है। यह वसा अम्लों के संश्लेषण के लिए आवश्यक को एंजाइम का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, और इसकी कमी से मांसपेशियों में दर्द, कमजोरी, भूख में कमी और रक्त शून्यता की स्थिति होती है, ठीक है। तो B7 जो है बायोटिन हो गया, क्लियर चीजें याद रखिएगा। B9 जो है फोलिक एसिड कहते हैं इसको, ठीक है, और यह जो आप, यह फोलिक एसिड जो है रक्त के निर्माण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और यह जो है सब्जियां, केला, संतरा, लीवर, ईस्ट, अंडा, सेम इत्यादि में पाया जाता है। इसका संश्लेषण जो है कोलोन के बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है, ठीक है। इसकी कमी से जो है एनीमिया हो सकता है। RBC के मैच्योरेशन RBC का परिपक्वन नहीं हो पाता, मुंह में अल्सर भी ऐसे विटामिनों की हो सकते हैं, देखते हैं कभी डाइजेशन सिस्टम खराब हो जाता है या मुंह में छाले पड़ जाते हैं, तो डॉक्टर जो है विटामिन B कॉम्प्लेक्स देता है, यही कारण है, क्लियर है। तो विटामिन B कॉम्प्लेक्स की कमी हो जाती है तो हमको ये सिम्टम्स को दिखाई देते हैं, ठीक है। और विटामिन B5 B12 हम देखते हैं, ठीक है। B12 जो है इसको ब्रेन न्यूट्रिएंट्स भी कहा जाती है, मस्तिष्क के विकास के लिए यह विटामिन बहुत जरूरी होता है, ठीक है। विटामिन B12 एक ऐसा विटामिन है जिसका सोर्स जो है केवल जो है एनिमल प्रोडक्ट है, क्या है, केवल एनिमल प्रोडक्ट है, यह वेज से नहीं प्राप्त होता है, ठीक है, क्लियर है। तो एनिमल प्रोडक्ट में बहुत सारे मीट, मछली तो ही, उसके अलावा मिल्क भी क्या है, एनिमल प्रोडक्ट है, मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट में मिलता है, या मीट, मांस, मछली इत्यादि में पाया जाता है, यह वेजिटेबल्स में नहीं पाया जाता है, याद रखेंगे यह, ठीक है। इसका वैज्ञानिक नाम जो है साइनोकोबालेमिन है, क्या है, साइनोकोबालेमिन है, और यह विटामिन में कोबाल्ट धातु पाया जाता है, ठीक है। यह विटामिन रक्त की उत्पत्ति में यह सहायक होता है। यह कमी जो है RBC के मैच्योरेशन में यह बहुत बड़ी, अगर इसकी कमी हो जाती है तो व्यक्ति को अरक्तता हो जाता है, ठीक है, और ब्रेन के न्यूट्रिशन में भी, ब्रेन ब्रेन के डेवलपमेंट में भी विटामिन B12 की बहुत आवश्यकता होती है, ठीक है, क्लियर चीजें याद रखिएगा। जो व्यक्ति शाकाहारी है वो अपने भोजन में जो है दूध, पनीर और जो है दही का इस्तेमाल करें तो वो विटामिन B12 की कमी से बच सकते हैं, क्लियर चीजें हैं, या बिल्कुल आप याद रखिएगा। विटामिन बी सी की हम बात करते हैं, विटामिन सी की हम बात करते हैं, इसको एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है, ठीक है। इस विटामिन का रासायनिक नाम जो है एस्कॉर्बिक एसिड है, और यह जल में घुलनशील विटामिन है, ठीक है। सभी प्रकार के खट्टे फलों में जो विटामिन सी जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। इसकी कमी से जो बीमारी होती है उसको हम क्या कहते हैं, स्कर्वी नामक रोग होता है, पॉइंट बी नोटेड, ठीक है। और ये सभी खट्टेदारे फलों में पाई जाती है, ठीक है। और इसका ये विटामिन सी की प्रॉपर्टीज क्या होती है, यह जो है वुंड हीलिंग प्रॉपर्टी, मतलब ये घावों को भरने में क्या होता है, बहुत ज्यादा हेल्प करता है, ठीक है, क्लियर चीज है ये। तो इसकी कमी से क्या, और स्कर्वी रोग हो जाता है, ठीक है। तो इम्यून सिस्टम के लिए भी विटामिन सी हमको बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सभी रसदार खट्टे फलों में इसकी मात्रा पाई जाती है, जैसे नींबू, संतरा, मौसमी, चीकू, आंवला, टमाटर, पत्तेदार सब्जी, अंकुरित अनाज विटामिन सी के जो है रिचेस्ट सोर्स होते हैं, ठीक है। विटामिन D कैल्सीफिरॉल की हम बात करते हैं, तो विटामिन D एक ऐसा रसायन कैल्सीफिरॉल है, और यह एक ऐसा विटामिन है जिसका संश्लेषण जो है हमारे शरीर के अंदर होता है, ठीक है, और यह हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है, ठीक है, क्लियर चीजें। और विटामिन D का जो सोर्स है वह सूर्य का प्रकाश होता है, क्या होता है, सूर्य का प्रकाश होता है, ठीक है, क्लियर चीजें। और सूर्य के प्रकाश में हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं इसका संश्लेषण स्वयं कर लेती है, अगर इसकी कमी हो जाती है तो बच्चों में जो है रिकेट्स या सूखा रोग हो जाता है,
जाता है, ठीक है, जिससे बच्चे का है डेवलपमेंट जो है प्रभावित होता है, ठीक है। अल्ट्रावायलेट रेज तथा त्वचा में उपस्थित अर्गेस्ट्रॉल को विटामिन डी में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। यह विटामिन इसके अलावा जो है मक्खन, घी, अंडे, मछली इत्यादि तेल में, मछली के तेल इत्यादि में भी पाया जाता है, ठीक है। तो विटामिन डी जो है उसको कैल्सिफेरॉल कहते हैं। विटामिन डी की कमी हो जाती है तो बॉडी में क्या होता है, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में नहीं होता है, तो विटामिन डी के साथ कैल्शियम का बहुत सीधा संबंध है, ठीक है, याद रखेंगे आप चीजों को। नेक्स्ट है विटामिन ई, जिसको टोकोफिरॉल नाम है, टोकोफिरॉल इसका नाम है, वैज्ञानिक नाम है, यह वसा में घुलनशील विटामिन है, और यह विटामिन को जो है प्रजनन विटामिन भी कहते हैं, प्रजनन अंगों के विकास में यह जो है महत्वपूर्ण का निभाता है, ठीक है। इस विटामिन की अगर कमी हो जाती है तो व्यक्ति जो है नपुंसक हो सकता है, प्रजनन क्षमता उसकी प्रभावित हो सकती है, तभी अंकुरित दानों, गेहूं, चना, मटर, हरी पत्तेदार सब्जियां इत्यादि में पाया जाता है, टमाटर में भी विटामिन ये पाया जाता है, क्लियर चीजें। तो क्या करता है, जनन अंगों के विकास के लिए इस विटामिन की बहुत जरूरी होती है, ठीक है। विटामिन के को फिलोक्विनोन कहा जाता है, ठीक है। इस विटामिन का नाम क्या है, फिलोक्विनोन है, ठीक है। इसको जो है यह विटामिन जो है रक्त का थक्का जमने में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है, ठीक है। यह प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने में, या प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मानव शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाती है तो रक्त का थक्का नहीं जमता, जिससे क्या होता है, ज्यादा ब्लड जो है चोट लगने पर हमारे शरीर से बाहर निकल जाए और व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है। तो विटामिन की जो है ब्लड कोगुलेशन के लिए बहुत जरूरी है। यह हरे पत्तेदार सब्जियां, कॉलीफ्लावर्स, पनीर इत्यादि में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, याद रखेंगे। विटामिन के तो हमने देखा विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के, जो वसा में और फैट्स में घुलनशील है। वसा में घुलनशील जो विटामिन ए, डी, ई, के है, और फैट्स में घुलनशील विटामिन जो है बी और सी है। तो कंबाइंड रूप से स्टूडेंट हम देखते हैं तो विटामिन के क्या कार्य हैं। तो विटामिन हमारे शरीर की क्या करती हैं, उपापचय क्रियाओं को मेंटेन करने का कार्य करती हैं। विटामिन जो है ऑक्सीकारक एंजाइम के रूप में कार्य करते हैं, ये शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के भंजन में महत्वपूर्ण योगदान होते हैं, और ये उपापचय के अंतिम रूप से कार्बो ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का मोचन करते हैं, क्लियर चीजें। तो ये प्रमुख अवयव है, क्या है, हमारे भोजन में विटामिन का प्रमुख कार्य है, ठीक है। इसके अलावा हमारे भोजन में जो है पांचवा जो मुख्य अवयव है वो मिनरल साल्ट का होता है। खनिज लवण जो है अकार्बनिक पदार्थ हैं, और मानव शरीर में कम से कम 29 जो है मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है। यद्यपि इनसे ऊर्जा तो नहीं मिलती, लेकिन जो है विभिन्न प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाओं को, हमारे जो शरीर में केमिकल प्रोसेस होते हैं, बायोलॉजिकल जो प्रोसेस होते हैं, उसके लिए मिनरल्स की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो खनिज लवण क्या करते हैं, यह जीव द्रव्य में विद्युत चालकता का कार्य करते हैं, ठीक है। रासायनिक जो है प्रतिक्रियाओं में जो है आयन बंधन का कार्य करते हैं। यह ऊतकों, रक्त, हड्डियों, दांतों आदि की रचना में इनका महत्वपूर्ण भाग होता है। हृदय की गति को संचालित करते हैं। पेशियों के, मांसपेशियों के संकुचन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो हमारे शरीर में जो मुख्य जो खनिज पदार्थ हैं वो है सोडियम होता है, ठीक है, पोटेशियम होता है, सोडियम जो है होता है, पोटेशियम होता है, ठीक है, कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है, ये क्लियर चीजें। तो सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, कैल्शियम तो आपको मालूम ही है, या विटामिन डी जो है हड्डियों और दांतों की दृढ़ता प्रदान करता है, और विटामिन डी और जो है दांतों और हड्डियों के विकास के लिए बहुत बड़ी जरूरी होता है। वह पोटेशियम और जो सोडियम होते हैं ये शरीर में क्या करते हैं, रक्त दाब को नियंत्रित करने में बहुत बड़ा सहायता होते करते हैं, ठीक है। सोडियम का जो मुख्य स्रोत है नमक होता है, ठीक है, मछली होते हैं, अंडे होते हैं, मांस होता है, दूध होता है, क्लियर है। इसी प्रकार पोटेशियम जो क्या करता है, वो मांसपेशियों के संकुचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तंत्रिका अवयवों के संचरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। फास्फोरस जो है हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, ठीक है, यह कैल्शियम से असंबद्ध होकर दांतों और हड्डियों में इसको दृढ़ता प्रदान करता है, ठीक है। तो हमारे शरीर की दैनिक जो आवश्यकता है फास्फोरस का 1.2 ग्राम होता है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, हमारे शरीर में जो मिनरल्स हैं खासकर सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, इनको हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। यह हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है लोहा है, आयरन आपको मालूम है, लाल आरबीसी के निर्माण में जो है हीमोग्लोबिन का मुख्य कंपोनेंट्स क्या होता है, आयरन होता है। आयरन की कमी हो जाए तो क्या होता है, हमारे शरीर में रक्त की कमी हो जाती है, ठीक है, एनीमिया का शिकार हो जाता है व्यक्ति, ठीक है। तो लोहा जो है एक महत्वपूर्ण जो है क्या है, मिनरल्स के रूप में शरीर में काम होता है। यह अंडा, पालक, मेथी, अनाज, मेवे इत्यादि में पाया जाता है। 20 मिलीग्राम जो है
लोहा जो है हमारे भोजन में डेली आवश्यकता होती है, यह उत्तक ऑक्सीकरण के लिए भी आवश्यक है, ठीक है। इसी प्रकार आयोडीन जो है थायरोक्सिन हार्मोन्स का मेन कंपोनेंट्स होता है, और इसकी कमी से जो है विभिन्न प्रकार के क्या होता है ग्रोथ जो है वो प्रभावित हो जाता है। बच्चों में इसकी कमी जो है घेघा रोग हो सकता है, ठीक है। बच्चों में अगर बचपन में इसकी कमी हो जाए तो बौनापन आ सकता है, उसका उसका ग्रोथ प्रभावित हो सकता है। इसलिए आयोडीन जो है बहुत जरूरी होता है, ठीक है। आयोडीन का मुख्य स्रोत जो है समुद्री भोजन होते हैं, ठीक है। समुद्री भोजन हरे पत्तेदार सब्जियां आयोडीन के क्या है मुख्य स्रोत होते हैं, ठीक है। तो आयोडीन जो है हम क्या करते हैं हमारे भोजन में जो है नमक के रूप में मिल रहा है, आयोडाइज साल्ट के रूप में हमको आयोडीन की पूर्ति होती है, ठीक है। और छठवां जो है जल, जल जो है हमारे समस्त की सभी प्रकार की बायोलॉजिकल क्रियाओं के लिए जो जल ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। यह मानव शरीर के भार का लगभग 70% भाग जो है जल का बना होता है, ठीक है। भोजन के पाचन में जल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है। एक व्यक्ति जो है औसतन दिन में जो है कम से कम 3 से 4 लीटर जल प्रतिदिन उसको पीना चाहिए, ठीक है। अगर जल की कमी हो जाती है तो उस कंडीशन को डिहाइड्रेशन कहते हैं, क्लियर चीज है ये। तो निर्जलीकरण से मनुष्य की मृत्यु हो सकती है, इसलिए हमको जल जो है हमेशा पीना चाहिए, क्योंकि शरीर की सभी प्रकार की बायोलॉजिकल या बायोकेमिकल प्रोसेस के लिए जो है वो हमारे यहाँ लिक्विड माध्यम में होता है, जलीय माध्यम में होता है, इसलिए जल जो है बहुत जरूरी होता है, ठीक है। क्लियर चीजें स्टूडेंट समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है। अब हम बात करते हैं बैलेंस डाइट के करते हैं। तो यह वह आहार जिसमें शरीर की वृद्धि और स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व तो जो है निश्चित मात्रा में उपलब्ध हो उसे हम संतुलित आहार कहते हैं। संतुलित आहार किसी व्यक्ति की आयु, लिंग और स्वास्थ्य और व्यवसाय पर निर्भर करता है। सामान्य काम करने वाले जो युवा मनुष्य है उसको 3,000 से लेकर 3,500 कैलोरी जो ऊर्जा उत्पन्न करने लायक भोजन की आवश्यकता पड़ती है। यह ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन में लगभग 90 ग्राम प्रोटीन और 400 से 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 50 से 60 ग्राम वसा होना चाहिए। इसके अलावा आवश्यक मिनरल्स और अन्य पदार्थ होना चाहिए, ठीक है। तो संतुलित आहार की जो डाइट्स होती है वह उम्र के आधार पर, सेक्स के आधार पर जो है वह अलग अलग वर्ग में अलग अलग हो सकता है। जो हार्ड परिश्रम करते हैं उनको ज्यादा कैलोरी वाले भोजन की आवश्यकता होती है, जब कम करते हैं उनको कम कैलोरी वाले भोजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसी प्रकार पुरुष और बालक जो हैं ग्रोइंग एज में हैं तो उनको भी हाईली न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है, जिनमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, फैट्स, मिनरल्स और विटामिन हो, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं संतुलित आहार करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को जो है अपने भार का लगभग 7 से 8% जो है वो जो है वह जो है क्या होना चाहिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। क्लियर चीज है ये। हम बात करते हैं अगर मान लीजिए किसी अंडर न्यूट्रिशन, अगर कोई व्यक्ति जो है वो अंडर न्यूट्रिशन जो लंबी अवधि तक भोजन की मात्रा कम लेने से उत्पन्न हो जाती है, इसको हम अंडर न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है। ओवर न्यूट्रिशन क्या होता है, लंबी अवधि तक अत्यधिक भोजन करने से क्या होता है उसको ओवर न्यूट्रिशन कहते हैं, जिससे मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है। अनबैलेंस डाइट जब आहार में कुछ पोषक तत्व तो अधिक मात्रा में तथा कुछ पोषक तत्व नगण्य मात्रा में होते हैं तो ऐसे भोजन को अनबैलेंस डाइट कहते हैं, ठीक है। पोषक तत्वों की कमी, आहार में किसी पोषक तत्वों की कमी अथवा अभाव होने से जो है हमको हीनता जन्य विकार डिफिशियंसी डिसीज, जो विटामिन बी की कमी से जो रोग होते हैं या मिनरल्स की कमी से जो रोग होते हैं वह रोग जो है लग जाता है। क्लियर चीजें। हम बात करते हैं इंटेस्टाइन की, बात करते हैं। आंत की दीवार में रुधिर कोशिकाओं का एक जाल होता है और इन कोशिकाओं के रुधिर में विभिन्न वज्र पदार्थ की कुछ मात्रा आंत की कोशिकाएं जो विसरण क्रिया द्वारा अवशोषित करके आंत की गुहा में पहुंचा देती है, ठीक है। अब हम कुछ बात करते हैं स्टूडेंट्स, की कमी से क्या हो जाता है हीनता जन्य रोग हो जाता है, ठीक है। तो आज की क्लास में आपने क्या देखा, न्यूट्रिशंस और विटामिन को देखना, विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं उस संदर्भ में देखा, ठीक है। तो उसके संदर्भ में मेरे साथ कुछ क्वेश्चन आप देख कर करिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है, ए है सेब है, बी है पपीता, सी अमरूद और डी आम है। तो विटामिन ए का प्रचुर मात्रा में स्रोत क्या है, तो इसका उदाहरण के एग्जाम्पल क्या होगा स्टूडेंट, पपीता होता है, ठीक है। पपीता होता है जो विटामिन ए का क्या है रिचेस्ट सोर्स है, ठीक है। गोल्डन चावल, नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्डन चावल एक प्रचुरतम किसका स्रोत है, आंसर ए बी सी और डी।
क्या होगा, गोल्डन राइस जो बना हुआ है वो क्या होता है, उसमें विटामिन ए को डाला गया है, तो ये विटामिन ए इसका आंसर होगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है स्टूडेंट देखेंगे, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या बताएंगे, जल्दी से विटामिन B7 को आपने बताया, तो B7 जो है उसका रासायनिक नाम क्या है, बायोटीन है, क्या है, बायोटीन, का आंसर क्या होगा, डी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B6 की कमी से पुरुष में कौन सा रोग होता है, विटामिन, मनुष्य में कौन सा रोग हो सकता है, विटामिन B6 कमी से क्या हो सकता है, रिकेट्स होता है, स्कर्वी होता है, बेरी बेरी होता है, या अर्कतता होता है, ठीक है। तो देखिएगा रिकेट्स तो विटामिन D की कमी से हो रहा है, स्कर्वी विटामिन C की कमी से होता है, ठीक है, बेरी बेरी जो है B1 की कमी से होता है, ठीक है, तो अरक्तता एनीमिया जो है विटामिन B6 की कमी से होता है, इसका आंसर क्या होगा, डी होगा, एनीमिया होगा, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, एनीमिया होगा, क्लियर चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में साइनोकोबालेमिन है, साइनोकोबालेमिन किसका नाम है, विटामिन B का नाम क्या है, देखेंगे स्कर्विक एसिड है, ठीक है, इसका नाम राइबोफ्लेविन है, ठीक है, क्लियर चीजें। तो बी देखेंगे विटामिन B12 जो है उसका नाम क्या है, साइनोकोबालेमिन है, क्या है, साइनोकोबालेमिन जो है इसका नाम है, क्लियर है, तो इसका आंसर क्या होगा, विटामिन B12 होगा, क्लियर चीज है ये। अब देखेंगे स्टूडेंट क्वेश्चन नेक्स्ट का है, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है और जो त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है, तो खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है, आपको सबको मालूम है खट्टे फलों में जो पाया जाता है विटामिन कौन सा है, C है, क्लियर चीज है, इसका आंसर क्या होगा, विटामिन C होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट देखेंगे, कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है, ठीक है, अधिक करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, तो आपको आंसर देंगे ये विटामिन A है, B है, C है, D है, तो जल्दी से लिख के बताइए कौन सी कम विटामिन जो है गर्म करने पर नष्ट हो जाता है, तो वह विटामिन क्या है, विटामिन C जो है वह लगभग 55 से 60 डिग्री टेम्परेचर, डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, वह नष्ट हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन D की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन D की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, रिकेट्स होगा, क्या होगा, रिकेट्स, में विटामिन C की कमी से ये होगा ना, एनीमिया विटामिन B6 की कमी से, B9 की कमी से, B12 की कमी से हो सकता है, ठीक है, या B2 की कमी से हो सकता है, ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या, विटामिन D की कमी से क्या होगा, रिकेट्स होगा, क्या होगा, रिकेट्स होगा, इसका आंसर क्या होगा, रिकेट्स होगा, ठीक है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा इसको, विटामिन E का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन E का रासायनिक नाम क्या है, आपको सबको मालूम है विटामिन E का रासायनिक नाम क्या है, टोकोफिरॉल है, टोकोफिरॉल जो है विटामिन E का वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। क्वेश्चन देखेंगे, नपुंसकता या बंधता किस विटामिन की कमी से होता है, वह विटामिन कौन सा है जो सेक्सुअल ऑर्गन या सेक्स कोशिकाओं के डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है, वह कौन सी विटामिन है, विटामिन है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, विटामिन E इसका आंसर होगा, क्लियर चीज है ये, ठीक। अब देख रहे हैं स्टूडेंट देखिएगा, वह कौन सी विटामिन है जो जल में घुलनशील है, तो आपको सबको मालूम है जल में घुलनशील जो विटामिन क्या होगा, B और C दोनों जो है जल में घुलनशील विटामिन, इसका आंसर क्या होगा, A और B, क्लियर चीज है ये, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट कि विटामिन A का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन A का रासायनिक नाम क्या है, याद है आपको, ठीक, तो बताइएगा क्या नाम है इसका, विटामिन A का रासायनिक का नाम क्या है, रेटिनॉल है, क्या है, रेटिनॉल, विटामिन A का रासायनिक नाम है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, एक ऐसे क्वेश्चन जो बेसिक एग्जाम पूछा, विटामिन C का मुख्य स्रोत क्या है, तो विटामिन C का मुख्य स्रोत क्या होगा, मान लीजिए विटामिन जो है C का जो है पूछा है मुख्य स्रोत क्या है, ठीक है, तो विटामिन C का मुख्य स्रोत क्या होगा, तो देख लेंगे कच्चे और ताजा फल है, ठीक है, B है दूध है, E जो है E है, ठीक, D जो है वह दालें हैं, आपको सभी मालूम है कि विटामिन C का रिसर्च होता है वह कच्चे फल होते हैं, कभी कभी एग्जाम पूछा जाता है, तो सबसे ज्यादा विटामिन C जो है देखेंगे आंवला में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, आंवला में पाया जाता है, याद रखिए जब आंवला हो, अमरूद हो और खट्टे फल हो, तो सबसे ज्यादा विटामिन आप किसमें मारेंगे, आंवला में मारेंगे आंसर, ठीक है, तो आंवला में जो है सबसे ज्यादा विटामिन पाया जाता है, क्लियर चीज है ये, तो आप नोट कर लीजिएगा, इस वीडियो को बार बार देखते रहिएगा, ठीक है। तो बायोलॉजी के अगला क्लास जो मैं लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए, तो क्लास में बने रहिए और मेरे वीडियो को देखते रहिए, UGM 10।
के साथ आप सब्सक्राइब कीजिएगा। क्लियर चीज है ये।